अपनी कुंडली दिखाती हूँ। आपकी कुंडली उतनी साफ है जैसे बारिश के बाद आसमान, लेकिन कभी कभी जैसे आसमान में भी बादल के थोड़े रह जाते हैं ना, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी एक कमी है जो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपकी कुंडली में संतान सुख नहीं है और इसकी वजह से आप कभी अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे। ये सब तो मैं जानती हूँ, पर मम्मी जी, मतलब मेरी सास, उन्हें मेरा और देव का ही बच्चा चाहिए। वो सरोगेसी या अडॉप्शन में बिलीव ही नहीं करते। कोई तो तरीका होगा ना। मैं सारी जिंदगी देव और मम्मी जी के उदासी का कारण बनकर खुद को कोसना नहीं चाहती। देखिए, आप कुंडली और एस्ट्रोलॉजी में मानती हैं तो मुझे लगता है आप ईश्वर को भी मानती होंगी। अगर ईश्वर हम सबको एक साथ में खुश नहीं रख पाते तो हमारा अब तो इंसान है। तो मैं क्या करूं? आपकी खुशी आपके अंतर्मन पर निर्भर है। आप अगर खुश रहेंगी ना तो आपकी पर्सनालिटी के चारों तरफ हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का कवच बन जाएगा और उसके बाद दुनिया की कोई कमी कोई गम आपके ऊपर उसका बुरा असर नहीं पड़ने देगा। लेकिन संतान दोष का कोई इलाज उपाय निवारण या पाठ पूजा? देखिए, मैं कोई ढोंगी बाबा पंडित या रत्न अंगूठी का कोई व्यापारी नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए आपको झूठी तसल्ली दूं। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हूं और जो सच्चाई है वो आपकी कुंडली में छप चुकी है। आपके जीवन में संतान दोष है और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे सहर्ष स्वीकार करें। तो क्या मैं कभी मां नहीं बन सकती? कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे मां कह के पुकारेगा? ऐसा मैंने कब कहा? आप अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं देंगी इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कुंडली में संतान सुख नहीं है। आप मां जरूर बनेंगी और मां कहीं भी जाएंगी आपकी ममता से बच्चा खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? और तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए ताकि अभी मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।